होंगे और मैं भी ठीक हूँ और आज की वीडियो जो है वो होने वाली है बहुत ही मजेदार जो कि मैंने की है मीशो से शॉपिंग और मीशो में, में मेरा पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जो कि बहुत ही अच्छा रहा है सस्ते में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने परचेज की है और वही मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट आइटम और जो की आप देख ही रहे होंगे होंगे तो ये है हैंडमेड ब्यूटीफुल दिए जो कि एलिफेंट शेप में बनाए हुए हैं और ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे तो इसलिए मैंने इनको मीशो से ऑर्डर किया था और इनको आप किसी भी ओकेज़न uh, पे इनको यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज़ अगर आप इनको ऐसे भी रखना चाहें तो वैसे भी ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं तो इनको वैसे भी आप होम um, डेकोर के पर्पज से जो है यूज़ कर सकते हैं और इनका प्राइस था टू थर्टी टू रुपीज़ तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे और जब uh, मैंने इनकी अनबॉक्सिंग की तो भी ये ठीक थे मतलब ऐसा नहीं था कि कहीं से कोई टूटा हुआ हो टूटा हुआ था बाकी आप जैसे देख ही रहे होंगे कि ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे और एंटीक से पेसेज हैं तो आप इनको भी परचेस कर सकते हैं तो गाइस चलिए अब करते हैं नेक्स्ट आइटम की अनबॉक्सिंग और ये जो मैंने नेक्स्ट आइटम जो परचेज की थी वो थी दीवान का सेट जिसमें साथ में आई थी पांच गिदियों के कवर और दो साइड पिलो के कवर तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा है मुझे दीवान सेट जिसका इस, जिस हिसाब से इसका रेट था और इसका जो रेट मुझे मिला था वो था थ्री फिफ्टी टू रुपीज़ जो नेक्स्ट आइटम जो है मैं अनबॉक्स करने जा रही हूँ वो है एक कुर्ती एथनिक कुर्ती है जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर की थी और सेम ऐसी ही कुर्ती जो है मिंत्रा में भी मिल रही है बट मिंत्रा का जो रेट है वो फिफ्टीन हंड्रेड है बट एक डिफरेंस ज़रूर है इस कुर्ती में कि मिंत्रा की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू मीशो की कुर्ती के कम्पेरिजन अगर हम करें तो और बाकी बट इसका जो रेट है वो है फाइव हंड्रेड थर्टी फोर रुपीज़ मटेरियल इसका कॉटन का है तो समर के पर्पज़ के हिसाब से अगर इस कुर्ती को लेंगे तो ये अच्छी है कुर्ती बाकी पार्टी वेयरिंग तो नहीं बोल सकते बट घर पे रेगुलर यूज़ के लिए आप इस कुर्ती को परचेज़ कर सकते हैं तो रेट भी रीजनेबल ही है तो मुझे थोड़ी ये कुर्ती अच्छी भी लगी मैंने इसको दिवाली के ओकेज़न पर डाला था तो आ, कलर भी इसका मतलब अच्छा है कलर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है जैसा कि अगर आप मिंत्रा से कम्पेट कम्पेरिजन करें और जो नेक्स्ट आइटम जो मैंने ऑर्डर की थी वो थी आर्टिफिशियल प्लांट और ये बहु मतलब मैंने जो थे मीशो से ही ऑर्डर किए थे और उनका जो रेट था वो टू थर्टी सेवन रुपीज़ था और बाकी ये जब मैंने इनकी अनबॉक्सिंग की तो एक जो इसका आ, प्लांट था वो थोड़ा सा टूट गया हुआ था बाकी न, चार में से तीन जो थे वो बिल्कुल ठीक थे तो इसलिए ये मतलब देखने में भी अच्छे लग रहे थे बट तो एक टूटा हुआ था और ये डेकोरेशन के पर्पज से हम इनको यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप एक देख ही रहे होंगे तो और जो नेक्स्ट आइटम जो मैंने परचेज़ की थी मीशो से वो है लिटी मेकर आ, इसको साउथ इंडियन जो है आपे बनाने में भी आपम जो होते हैं उनको बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं तो मैंने ये कढ़ाई जो थी वो वहाँ से आ, मतलब नॉन स्टिक की है वो ऑर्डर की थी और इसका जो रेट है वो टू हंड्रेड सिक्सटी सिक्सटी सेवन रुपीज़ है तो ये इसकी क्वालिटी मुझे ठीक ठीक लगी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है वेट में थोड़ी लाइट वेट थी बाकी अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है बट वैसे देखने में तो अच्छी लग रही है बाकी अभी यूज़ करके कितना मतलब चलती है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है बट रेट के हिसाब से जो है मुझे ठीक लगी क्योंकि रेट इतना ज़्यादा नहीं है तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं अब आते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पे जो कि मैंने ऑर्डर किए थे ऑयल कंटेनर्स और इन ऑयल कंटेनर्स कंटेनर्स के साथ जो है दो चीज़ें फ्री चार चीज़ें वैसे फ्री मिली थी एक जो आप देख सकते हैं स्पैचुला है और एक ऑयल ब्रश है और साथ में इनके साथ जो थे वो थे जैसे कि सॉल्ट के जो छोटे छोटे जो चो कंटेनर्स होते हैं वो थे तो ये भी मुझे का, काफ़ी अच्छी आइटम लगी प्राइस के हिसाब से और इसका प्राइस है टू एट्टी अगर बात करें इनकी क्वालिटी की तो क्वालिटी जो तो सॉल्ट कंटेनर वाले थे बॉक्सेस कंटेनर्स हैं वो तो अच्छे हैं मतलब उनके तो कुछ इशू नहीं है कि कितनी क्वांटिटी आएगी बट जो ये ऑयल वाले हैं ऑयल वालों का ये था कि ये जैसे कि हाफ़ लीटर या वन लीटर के हिसाब से नहीं थी ये हाफ लीटर से भी थोड़ा ज़्यादा है और वन लीटर से कम है तो अगर आपका जैसे आ, कोई भी पाउच है ऑयल पाउच है अगर आपने एक लीटर इसमें डालना है तो वो नहीं आएगा बस मुझे बाकी यही एक थोड़ा इसका डिसएडवांटेज लगा लेने का कि पूरा पाउच जो है इन बॉटल्स में नहीं आ रहा था बाकी ये ग्लास के हैं क्वालिटी वाइज तो अच्छे हैं और जो प्राइस है उसके हिसाब से भी अच्छे हैं तो आप के ऊपर है कि अगर आपने परचेज करने हैं तो और अब नेक्स्ट आइटम को हम अनबॉक्स करते हैं जो कि है आ, मीशो से ही परचेज़ की थी और वो है फ्रिज में जो हम फूड स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं वो मैंने परचेज़ किए थे और ये है प्लास्टिक के तो ये चार के सेट में आए थे और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और जो इनका प्राइस है वो है तीन सौ नौ रुपये तो तीन सौ नौ के आपको चार मतलब कंटेनर्स मिलेंगे फूड स्टोरेज के लिए इसमें आप कुछ भी स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और हाँ इनकी एक चीज़ मुझे अच्छी लगी मैंने अभी यूज़ भी कर लिए हैं ये कंटेनर्स तो अगर जैसे आप कोई भी हरी सब्जियाँ हरा हरा धनिया कुछ भी रखते हो तो एज एट इज़ वैसी ही रहती हैं और काफ़ी दिन इनके जो स्टोरेज है स्टोरेज लाइफ जो है वो बढ़ जाती है तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी अगर आप जैसे कि मान लो अगर बाहर ओपन उसमें रखते हो तो क्या होता है कि सब्जियां सूख जाती हैं कुछ भी होता है बट इनमें जो है जैसे कि नीचे नेट दिया हुआ है जिससे थोड़ा सब्जी मतलब सरफेस के कांटेक्ट में ना आए और ना खराब ना हो बाकी इनका मॉइस्चर भी जो कंटेंट है सब्जी का वो भी मतलब एज ए इज रहता है तो इसके हिसाब से ये कंटेनर मुझे काफी अच्छे लगे और मैंने यूज करके देखे इसलिए मैं आपको ये इनका रिव्यू दे रही हूं तो ये काफी अच्छे हैं चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की जो कि मैंने ऑर्डर की थी आ, मिशो से ही और वो है ड्रीम कैचर और ये मैंने ऑर्डर जो किया था वो था एक कॉम्बो तो इसमें एक ड्रीम कैचर थोड़ा तो साइज़ में छोटा था और एक बड़ा था बट हाँ ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि बाहर अगर आप किसी भी शॉप से लेते हैं तो ड्रीम कैचर बहुत ही महंगे मिलते हैं चाहे छोटा हो या कोई साइज में बड़ा हो बट ये दो दोनों जो इमेज में दिखाए थे एज इट इज़ वैसे थे तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छे लगे और अगर बात करें क्वालिटी की तो इन दोनों की ही क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहे थे और प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल है जैसे कि आपने देखा ही होगा इमेज में दो सौ के ये दो कॉम्बो सेट मिला मुझे तो ये मतलब बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है अगर आप कहीं भी बाहर पूछते हैं तो एक ही ड्रीम कैचर दो सौ से कम नहीं मिलेगा आइटम है जो कि है एक कॉर्नर और ये कॉर्नर काफी अच्छा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये रेंज आई थिंक 700 से 800 सौ रुपए की रेंज में मिल गया था हमने अमेजोन से लिया था इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मेरे पास अभी नहीं है तो इसलिए मैं आपको इसका भी थोड़ा सा सोचा कि रिव्यू दे देती हूँ और अब नेक्स्ट आइटम की बात करते हैं जो कि अब होगी लास्ट आइटम तो जो कि है गार्डन टूल सेट और ये एक किट की तरह आया हुआ है जिसमें चार पांच आइटम्स आपको मिल जाएंगी और ये इनके क्वालिटी की अगर बात करूँ तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और हाँ गाइज़ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं अगर, अगर अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो को एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में टिल देन ओके बाय बाय टेक केयर